बड़े आध्यात्मिक हो गए हैं और बहुत ही भजन कीर्तन में उनका मन लगता है भगवान में, तो इसने कहा हाँ वो बहुत पैसा वैसा कमा लिए हैं तो इसलिए उसके बाद आदमी भजन कीर्तन में जाता है या जाना चाहिए। यानी इस इन बच्चों का कॉमन एक ये रहता है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये और मेटरलिस्टिक जो अचीवमेंट है वो दोनों अलग अलग चीज है। मैंने जिसको भौतिक जीवन में खूब आगे बढ़ना है वो करना, उसको अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसको अपनी लाइफ जैसे है वैसे ही इंजॉय करना चाहिए। इसमें ये सब अभी ये उम्र नहीं है या अभी नहीं करना चाहिए। इसी के इर्द गिर्द सबको थोड़ा एक मार्गदर्शन कि हाँ ये क्या जीवन में महत्व है या क्यों इस तरीके की सोच रखनी चाहिए। ऐसा है कि हम लोग अब तक जो है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहते हुए और भिन्न भिन्न तरह के अनुभव को करते हैं और उसके हिसाब से अपना एक कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो हर व्यक्ति अलग अलग दौर से गुजरता है और अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है, उसके पीछे के जन्मों के भी कई संस्कार होते हैं, पहले भी बहुत कुछ किया होता है उसी को वो कंटिन्यू करता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऐसी परिस्थिति मिलती है या जिनकी बुद्धि कह लें कि ऐसी होती है कि वो दूसरों के अनुभवों से कुछ सीख जाते हैं बिना उस चीज़ को रिपीट किए हुए, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि उन्हीं चीज़ों को करना चाहते हैं और करने के बाद सीखना चाहते हैं कि आखिर इससे क्या हुआ। तो वह उनको लगता है कि ज़्यादा प्रामाणिक अनुभव होगा, और होता भी है एक अर्थ में, जब हम किसी चीज़ को स्वयं करके देख लें तो वह हमारे लिए ज़्यादा प्रामाणिक होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे यदि कोई पॉइजन खाया और वो मर गया, तो हमने देखा तो हमने एक सीख लिया कि ये पॉइजन है, इसको खाने से मर जाएगा। तो अब हमारे लिए यह ज़रूरी नहीं है कि उसको हम खाएं और देखें कि वो क्या मेरे में भी वही एक्शन करता है या नहीं करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम नहीं दोहरा सकते और दोहराना मूर्खता होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम दोहरा करके सीख सकते हैं। तो एक जो एवरेज इंटेलिजेंस है तो वो ऐसा ही करता है कि दोहराता है और उसको सीखता है, लेकिन जो काफ़ी समझदार होते हैं तो वैसे लोग क्या करते हैं कि दूसरे के अनुभवों से सीख जाते हैं। और जब हम बहुत गहराई में उसके अनुभवों पर फोकस करते हैं, ये बहुत समझने की ज़रूरत है इस जगह पर जो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो देख करके सीख जाना, और एक है कि इतना अपने को फोकस कर देना कि मुझे लगे कि मैं वही व्यक्ति हूँ, मुझे अपने में और उस व्यक्ति में फ़र्क नहीं लगे, और तब उसने जो अनुभव किया मैं यह समझ लूँ कि वह मैंने ही अनुभव किया। इसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होता है, यह सभी में नहीं होता है, यह कुछ में ही होता है इतना ज़्यादा फोकस होना। अमूमन जो है आदमी सुपरफिशियल ही किसी चीज़ को देखता है और वो समझता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, चलो मैं भी करके देखूं, और उसके बाद वह सीखता है। तो यह एक औसत दर्जे का हुआ, लेकिन जो काफ़ी इंटेलिजेंट है जैसे मान लो कबीर वगैरह किस्म के जो लोग थे, तो उन लोगों ने संसार की रीति रिवाजों को और संसार के जो भोग हैं उसको देख करके वो सीख लिया कि क्या इसमें होता है, उसका हस्र भी देख लिया क्या होता है, और जो लोग ऐसे किए हैं उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या पाया क्या खोया, सब देख करके उसके बाद एक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। तो अब आप अपने को किस दर्जे में पाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं अधमा अधम जिसको कहा जाता है, कि जो बार बार देखते हैं और बार बार उसी दुर्गति भी देखते हैं, पुनः उसी चीज़ को करते हैं और अपनी भी दुर्गति देखते हैं, पुनः उसी चीज़ को करते हैं इस आशा में कि शायद इस बार ऐसा नहीं हो। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि इस बार वैसी दुर्गति नहीं हो, जैसे एक बार थप्पड़ खाया फिर शायद इस बार नहीं थप्पड़ नहीं मारे, चाहे भारत पाकिस्तान का चलता है ना, इस बार बात कर लो फिर वही काम, फिर बात कर लो फिर वही काम। तो ऐसा कुछ लोग करते हैं जो औसत दर्जे से भी नीचे के होते हैं, वे नहीं सीखते हैं, न दूसरे के अनुभव से सीखते हैं न स्वयं के अनुभव से सीखते हैं। तो वैसे लोग काफ़ी लंबा समय लेते हैं, हो सकता है कि उनको कई जन्म लग जाए उनको उस स्थिति में पहुंचने पर, उनकी बुद्धि उतनी प्रखर नहीं होती शांतिपूर्वक। तो वैसे लोग जो होते हैं वे नहीं सीखते हैं, वे आध्यात्मिक नहीं हो पाते हैं। तो वैसे लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ों को, यहाँ वे लोग तो संसार को ही नहीं समझ पाते हैं, तो फिर अध्यात्म की तो बात बहुत दिगर है, अलग है। वो सामाजिक चीज़ों को भी नहीं समझ पाते हैं, राजनीतिक चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, क्या हम खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। अगर उनको
साधारण सा चीज कर दिया जाए, जैसे कि मान लो कि मिश्री दे दी जाए और गुड़ दे दिया जाए और चीनी दे दी जाए, तो वे अंतर नहीं कर सकते इनके स्वाद में। ऐसे भी कुछ मूड लोग होते हैं। तो अब आप किस स्तर पर अपने को पाते हैं उस हिसाब से आपका व्यवहार होगा, यह सामान्य सी बात है। अध्यात्म सिर्फ उनके लिए है जो सुपर इंटेलिजेंट है, औसत दर्जे वालों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। औसत दर्जे वाले तो उसी में पड़े रहते हैं, करते रहते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान है उनके लिए ही अध्यात्म हुआ है। ऋषि उनको कहते हैं, ऋषि का मतलब जो सत्य की खोज में गया है, और सत्य की खोज में वही लोग जाते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ही अध्यात्म है, यह सही बात है। और इसीलिए अध्यात्म की ओर जो रुख है कम लोग किए हैं संसार में, आज भी कम लोग हैं। जैसे दिखता है हुजूम बहुत दिखता है, वह अध्यात्म नहीं है। जहाँ की आप देख रहे हैं कि कोई प्रवचन हो रहा है वहाँ पर लाखों की भीड़ है, तो आप ऐसा नहीं समझना कि उसमें लाखों लोग गए हैं उसी के लिए। अधिकतर लोग तो वहाँ इसलिए जाते हैं कि चलो कथा है सुन लेंगे। 1% जो चांस है, जैसे मर जाने के बाद 1% चांस है कुछ होने का, तो क्या पता उस 1% में मेरे लिए भी कुछ पूंजी हो जाए जिससे कि मैं कुछ आगे चलूं। तो ऐसा वो उस 1% के लिए वे सोचते हैं और करते हैं उतना, और उतने भर कर पाते हैं, सुन लेते हैं। क्योंकि ऐसे भी बांटने वाले भी लोग हैं जो कह देते हैं कि एक बार सुन लेना ही बहुत है। ऐसे भी लोग हैं, सुखदेव ने कथा सुनाई और एक बार सुन लिया और उसी से तर गए, ऐसे भी लोग हैं। इतनी सस्ती आस्तिकता बांटते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कि इस चीज़ को मान लेते हैं। तो एक बार में क्या तर नहीं सकता आदमी? तर सकता है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि वहाँ गलत बात लिखी हुई है कि तर गया, तर सकता है। लेकिन कौन? राजा जनक ने जब पूछा अष्टावक्र से कि गुरुजी मुझे ज्ञान कब होगा, तो कहा बस तुम घोड़े पर चढ़ोगे और ज्ञान हो जाएगा। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते ज्ञान हो जाएगा। तो क्या ज्ञान इतना सस्ता है कि घोड़े पर चढ़ते? घोड़े पर तो कितने सब जन घुड़सवार है और रेस में जाते हैं, तो उनको क्यों नहीं ज्ञान होता है? तो वहाँ पर इसका सवाल नहीं है। सवाल है कि उस व्यक्ति के पास अब इतना प्रिपरेशन हो चुका है, इतना प्रिपरेशन हो चुका है कि बस थोड़े से बस उसको इग्निशन की ज़रूरत है और वो उसमें पहुँच जाएगा। तो वैसे के लिए है जो बिल्कुल ही अंतिम चरण पर है, वैसे के लिए है कि सुखदेव ने बस थोड़ा सा खाली एक वासुदेव शब्द बोला और वो पहुँच गया। तो क्योंकि वह उतना ज्ञान क्या ज्ञान हो। हाँ, तो अब जो है तो आप किस स्तर पर हैं यह समझिए और उसके हिसाब से आपको साधना करनी चाहिए। तो यदि आप इस स्तर पर हैं कि एक बार सुन लिया तो हो गया तो बस बात खत्म है, लेकिन वहाँ पर जो लाखों की भीड़ होती है उसमें शायद ही कोई ऐसा बिरला होता है, करोड़ों में एक होता है जो कि उस स्थिति में होता है कि बस एक शब्द सुन लिया, बस उसने भाव से। खाली शब्द सुन लेना पर्याप्त नहीं होता है, शब्द तो एक टेप रिकॉर्डर से भी सुन सकता है आदमी, लेकिन उस शब्द के पीछे जो शक्ति होती है वो भाव की होती है। और वह भावना आती है व्यक्ति के चरित्र से, व्यक्ति के जो कर्म हैं, जो उसके विचार हैं, उसके हिसाब से जब कर्म हो जाएंगे, उसके विचार से ही जब उसके भाव होते हैं, तब ये सब सारे जब भाव विचार कर्म सब मिल जाते हैं, तब उसमें वो फोर्स आता है कि वह जो बोलता है उसके हिसाब से वो घटना घटती है। तो वैसा अगर आपको कोई वेद मिल जाता हो तो वहाँ से इनिशिएशन शुरू हो सकता है, वहाँ से दीक्षा शुरू हो जाती है। तो किसी के लिए दीक्षा शुरू हो जाती है और किसी के लिए शिक्षा शुरू हो जाती है और किसी के लिए तो परम अवस्था आ जाती है। तो उनका भी एक लाभ है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि वहाँ जो लाखों की भीड़ उसमें लाभ नहीं है, है लाभ। लेकिन यह भी जरूरी है ये समझना कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं तो उसमें से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो बस यूँ ही चले गए, किसी ने कहा और चले गए, देख लिया या सोचा कि अगर कभी कुछ होगा तो हो जाएगा। तो हम अपने को किस जगह पाते, हर एक को इसमें अपना आकलन करना पड़ता है। ये सामूहिक नहीं होता है, जो जैसे इस्लाम ईसाइयत है उसमें सामूहिक प्रार्थनाएं होती हैं, सामूहिक सब कुछ होता है और सामूहिक सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सामूहिक नहीं है। यहाँ सामूहिक प्रार्थना जरूर है, लेकिन यहाँ हर एक व्यक्ति को अपनी यात्रा अवश्य करनी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है और हर एक व्यक्ति को अपना अपना जो है पहले की कुछ जो उसे कर्म हैं, विचार हैं, भाव हैं, जो पूंजी है, संस्कार हैं, उसके हिसाब से ही उसको आगे की यात्रा करनी है। तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सभी को ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपना रास्ता स्वयं तय करना है और वह रास्ता जो प्रश्नों से गुजरता है वो ज्ञान मार्ग की ओर ले जाता है, निश्चित ही। वह रास्ता जो भाव की से गुजरता है वह रास्ता भक्ति की ओर ले जाता है, निश्चित ही। और वह रास्ता जो कर्म से गुजरता है वह कर्मयोग की तरफ ले जाता है, निश्चित ही। तो जिसको जिस पर ज़्यादा भरोसा है
जिसको अपने कर्मों पर भरोसा है वह कर्मयोगी हो जाता है, निष्काम कर्मयोगी ऐसे के लिए। जिसको अपने विचारों पर भरोसा है तो वह जो है ज्ञान योगी हो जाता है, और जिसको अपने भाव पर भरोसा है तो वह भक्त हो जाता है। तो ये अपने आप ही तीन तरह की शाखाएँ, हम लोग तीन तरह से व्यवहार करते हैं। हाँ तो गुरु जी, थोड़ा स्थूल प्रश्न आना चाहता हूँ ना कि इन लोगों को फिर क्यों जाना इधर, इन लोगों का इधर ही की बात ही क्यों करना, इससे फायदा क्या है कि क्यों करें इधर ना, हम अपनी दुनिया में मस्त है तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम किसी को नहीं, प्रॉब्लम तो उसको होनी चाहिए ना, दूसरे को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दूसरे को सिर्फ जो है सिर्फ वो, जैसे मान लीजिए कोई शराब पी रहा है तो पियो, मरना मरो, मेरा काम कितना है सिर्फ बता देना कि इसके इसके ये इफेक्ट है, इससे ये प्रभाव होता है, आप जिस चीज़ को जी रहे हैं उसका क्या क्या प्रभाव है उस चीज़ को हमारा बताना फ़र्ज है, उसको मना करना फ़र्ज नहीं है, वो मना करना फिर बाधा है, वो गलत है, उसको हम मना नहीं करें बल्कि उसको समझाएं कि देखो इससे ये होता है, ये अगर तुमको नहीं लगता है तो तुम इसको एक बार प्रयोग करके देख लो तो कि क्या लगता है। हाँ क्यों समझाएं और क्या समझाएं? तो असल में क्या है, निर्देश जैसे एक तरीके से निर्देश मैं ये देता हूँ कि जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी करना है, खाना है या पीना है, जो भी करना है, जिस चीज़ को भी खा रहे हैं उसको इतनी गहराई से खाओ कि उसके सारे विज्ञान को तुम जान जाओ, उसको इतनी गहराई से खाओ कि तुमकी उसके सारे भावों को, अपने सारे भावों को उसमें उड़ेल दो, फिर देखो उसका क्या प्रभाव आता है। जो कुछ भी कर रहे हो, यानी सांस ले रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्स वाई जेड कोई भी गतिविधि तो कर रहे होगे, अपनी इंद्रियों से, आँख से देख रहे होगे, कान से सुन रहे होगे, नाक से सांस ले रहे होगे, जीभ से चख रहे होगे, या त्वचा से स्पर्श कर रहे होगे, या मन से विचार कर रहे होगे, यही सब ना। तो जो कुछ भी करते हो इतना गहराई से करो कि अब बीच में कोई और ना रह जाए, तब तुम उसके विज्ञान को जान सकते हो। कुछ भी कर रहे हो एकदम डीपली पढ़ो उसमें, हाँ जो कुछ भी कर रहे हो, और उसको जब अच्छा से, हम किसी चीज़ को अच्छा से करते हैं तो फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं। कोई व्यक्ति पास कैसे होता है? पास इसी तरह से होता है, जब हम किसी चीज़ को अच्छा से करेंगे तो पास हो जाएंगे, अच्छा से नहीं करेंगे तो हम वही क्रिया को दोहराते रहेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि औसत आदमी रिपीट करता है, तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आपने एक बार किया और आप समझ गए कि ऐसा है, अगर आप नहीं समझे फिर बार बार कीजिए करेंगे, और करते ही हैं लोग और करने के लिए मजबूर हैं। तो आप जो कुछ भी करते हैं, आप घंटा बजाते हैं, घंटा ही बजाए अच्छा से, और घंटा बजा के देखिए कि घंटे से क्या होता है, आप बजाते रहिए बजाते रहिए, तब तक जब तक कि आपको पूरा उसका साइंस पता ना चले, पूरा उसका आपको विज्ञान पता चल जाएगा, पूरा भाव पता चल जाएगा, पूरा इफेक्ट पता चल जाएगा, तब फिर छोड़िए घंटा बजाना। तो आप जो कुछ भी किए हैं क्या आप देखिए कि क्या आपको उसका पूरा पता चला है? मान लीजिए कि आपने किया, क्या आपको का पूरा पता चला? क्या आपको पता चला कि करने में किन किन मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है, वो जो ध्वनि चलती है वो कहाँ जाती है, वो ध्वनि कहाँ से आई, कैसे उत्पन्न हुई, उसका हमारे हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा? मेरे कहने का मतलब इतना है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आप बहुत गहराई से डीपली उसको कीजिए, सम्यक रूप से कीजिए, अच्छा से कीजिए, ताकि आपको उसका पता चल जाए। और ऐसा कुछ भी, एक भी कर्म ऐसा आप कर देते हैं, फिर सारे कर्म जो है आपके लिए खुल जाएंगे, सारे कर्मों का राज खुल जाएगा, सारे विचारों का राज खुल जाएगा, सारे भावों का राज खुल जाएगा। बस इतना ही है अध्यात्म, इतना ही है, बस यही समझना है। तो अभी तक जैसे जिसको कहते हैं ना, जो जो भौतिकवाद की बात होती है, तो भौतिकवादी वे लोग हैं जिन्होंने भौतिक समझा ही नहीं, वही लोग भौतिकवादी हैं जिन्होंने अभी क्या भौतिक है वो नहीं समझा, क्या मैटर है नहीं समझा, मैटर के बारे में आप नहीं जानते हैं कि मैटर का आपके ऊपर क्या इफेक्ट है, इसीलिए आप मैटरलिस्टिक हैं। जिस दिन आप जान जाएंगे कि मैटर क्या है उस दिन आप मैटरलिस्टिक नहीं रह सकते। तो मैटर का क्या इफेक्ट होता है आपके ऊपर, आपके सांस के ऊपर, आपके आँखों के ऊपर, आपके अन्य इंद्रियों पर, आपके हृदय पर, आपके हर चीज़ पर, विचार पर, तो उस चीज़ का जिस दिन आप शोध कर लेंगे उस दिन फिर आप अपने को नहीं कह पाएंगे कि मैं मैटरलिस्टिक हूँ। मैटरलिस्टिक वही कह पाते हैं अपने को जो कि मैटर के बारे में नहीं जानते हैं अभी, बस उन्होंने बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बस समझा कुछ, थोड़ा बहुत भोगा, बस ऐसे ही है। जो पूर्णतः भोग लेगा वो भोग से मुक्त हो जाएगा, ये इसका विज्ञान है, ये इस अस्तित्व का विज्ञान है। तो आप यदि कहीं फंसे हैं इसका मतलब है कि आपने उसको अच्छा से नहीं समझा, इतना ही है, आपने उसको अच्छा से नहीं जिया है। जनरल एक गृहस्थ लोगों में भय की जो प्रॉब्लम है, हमेशा भय में रहना, ये बिगड़ जाएगा तो वो बिगड़ जाएगा, उसकी वजह से ही सारे तरह के स्ट्रेस है, बीपी है, शुगर है, भय ही ज़्यादा कारण है। तो भय का क्या कारण है और भय मतलब लोगों को क्यों है इतना भविष्य को लेकर के कि कल पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कल का तो उनको ऐसे भी पता नहीं चलना है कभी भी,
कल का वैसे भी नहीं पता चलना है, लेकिन एक जो है आभास जैसा उनको लगता है कि मैं अपने भविष्य को सुरक्षित कर लूँ, आने वाला समय में सुरक्षित कर लूँ, और उसके लिए वो सारा प्रयास करता है। मुख्य रूप से यह है कि मनुष्य मरना नहीं चाहता, कोई प्राणी मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? मरने से भी उसको परेशानी नहीं है, मूलतः उसको दर्द से परेशानी है। जो दर्द है उससे परेशानी है, और आगे की जो असंभावना है, अज्ञानताएं हैं कि आगे क्या होगा उसके बारे में, वो अननोन है, तो वो अननोन में जंप नहीं करना चाहता, क्योंकि अननोन से उसे भय लगता है। क्यों भय लगता है? क्योंकि दर्द हो सकता है। जहां हम नहीं जाते हैं, जहां नहीं जानते हैं, वहां हमें भय लगता है। क्यों? क्योंकि हमें दर्द की संभावना लगती है, लगता है कि जैसे कोई मार देगा तो कष्ट होगा। मूलतः हम कष्ट से डरते हैं और कोई बात नहीं है। मरना हम इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हम कष्ट से डरते हैं। मरना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हमको ये नहीं पता कि आगे क्या है, वास्तव में नहीं पता है। वो खाली एक हाइपोथेसिस है, थ्योरी है कि अगर मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, और सब लोग लिख लेते हैं कि मर जाने पर स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में सुख है। अगर किसी को इतना कन्फर्म है कि स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में सुख है, तो वो उसको जल्दी से मर जाना चाहिए, क्योंकि इतना जो व्यक्ति डेड श्योर हो जाएगा कि मरने पर मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, तो उसको फिर जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, और जिंदा है इसका मतलब पाखंड है। तो वो जानता है कि कहीं स्वर्ग होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो ये तो श्योर है, इसके बारे में वो श्योर है, क्योंकि उसका मन बता रहा है, उसकी इंद्रियाँ बता रही हैं कि ये जो एग्जिस्टेंस है इसको तुम फील कर रहे हो, और जो स्वर्ग है उसको तुम फील नहीं कर रहे हो, फील नहीं कर रहे हो, इसलिए वहाँ हो भी सकता नहीं भी सकता, अमुक के कहने पर क्या भरोसा। जो फील कर रहा है वो उसका वास्तविक नॉलेज है, उसको सेफ, हाँ वो जो है उसका वास्तविक ज्ञान है वह, और जो उसने पढ़ लिया कहीं से वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, वह तो एक कल्पना है। वो किसी की बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो उस पर स्वर्ग पर उसको कोई भरोसा नहीं होता है, अंदर से कोई भरोसा नहीं होता है, वो खाली ऊपर की बात होती है, छिछली बात होती है। जो लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं स्वर्ग स्वर्ग, वे खुद मर के स्वर्ग क्यों नहीं जाते? वे कभी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको खुद भी भरोसा नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो यहाँ का जीवन छोड़ करके कैसे वहाँ का जाएंगे? हमको जब बेहतर चीज़ मिलेगा तभी हम बदतर चीज़ छोड़ेंगे, सीधी सी बात यही है। एक सभी प्राणियों का यह स्वभाव है, हमें बेहतर चीज़ मिलती है तो हम बदतर चीज़ छोड़ देते हैं, अपने आप छूट जाती है, छोड़ना भी नहीं पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि हम जो है कचड़े का त्याग करते हैं, ऐसा कोई बोलता है क्या कि हमने देखो कचड़े का त्याग कर दिया? कचड़ा तो अपने छूट जाता है, आपको बेहतर चीज़ मिल जानी चाहिए, कचड़ा अपने आप फेंका जाएगा, तो जो बदतर है वो कचड़ा सिद्ध हो जाता है। अध्यात्म में जब जाता है व्यक्ति तो भय उसका कम हो जाता है, क्यों? कम नहीं हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल खत्म, क्योंकि उसको मालूम चल जाता है हर चीज़ का, उसको पता चल जाता है। रास्ता तो बहुत है, रास्ते बहुत हैं। एक छोटा सा रास्ता बताता हूँ जो बहुत साइंटिफिक है, छोटा सा एक रास्ता बताता हूँ जो बहुत साइंटिफिक है, कभी भी प्रयोग कर सकते हो, चाहो तो अभी प्रयोग कर लो, इस जगह यहीं बैठे बैठे जिस भी चीज़ से, जैसे मान लो कि हमें क्रोध किससे परेशानी है, हमें कामनाओं से परेशानी है, हमें दर्द से परेशानी है, भावों से परेशानी, कई जिस चीज से परेशानी है। उदाहरण के लिए अभी तुमने भय की बात की, भय से परेशानी, तो एक छोटा सा मैं उदाहरण ले रहा हूँ, हाँ, और ये जो है राजयोग का उदाहरण है। तुमने मूलतः साधना के विषय में पूछा है, तुम्हारा मूल जो चीज़ है वो साधना है कि हम कैसे करें, वहाँ तुम प्रोसेस तुम जानना चाह रहे हो, हाँ, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, तो हाँ तो कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। तो देखो हम लोग के जितने भी भाव हैं, हाँ, तो वे सारे भाव जो है हम लोग के, जैसे हम लोग की सांस है, या हम लोग के दिल की धड़कन है, या हम लोग के विचार हैं, इन सबसे जुड़े हुए हैं, इनसे ही वे सब सारे भाव प्रकट होते हैं। तो अब मैं उदाहरण तुम्हारा इसका भय का लेता हूँ। हम लोग के मस्तिष्क में भय का संचार तब होता है जब हम लोग की सांस की जो गति है, हाँ, तुम जैसे तुम डॉक्टर पढ़ी हो, डॉक्टर नहीं हो ना, अच्छा सी ए हो, अच्छा अच्छा बड़ी वाली, तो खैर यहाँ पर कोई और कोई है जो मेडिसिन से संबंधित कोई जानकारी रखता हो? नहीं। तो ये देखो कि हम लोग जो श्वास प्रश्वास लेते हैं, इसमें प्रति मिनट औसतन प्रति मिनट आदमी
20 से 22 सांस लेता है। एक मिनट में कोई भी आदमी 20 से 22 सांस लेता है, और ऐसा जब करता है तो उसमें सब ये सब चीज़ें होती हैं, भय, क्रोध, लोभ, मोह सब होता है, ठीक है। और जब उसकी सांस की गति घट जाती है या बढ़ जाती है, तो उससे जो है उसका रिदम बिगड़ता है या बदलता है, ऐसे समझ लो। तो जब हम सांस को यानी सांस की गति को, सांस प्रश्वास को जब हम 1.5 मिनट में एक सांस लेंगे, 1.5 मिनट में एक सांस लेंगे और छोड़ेंगे, एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना, 1.5 मिनट समय लगेगा। यानी इतने धीमे सांस जब तुमको लोगी तो तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का कोई दर्द भी नहीं हो सकता है। हम लोग को दर्द तभी फील होता है जब हम लोग इससे कम में सांस लेते हैं। सोच लो सांस कितना अभ्यास करना पड़ेगा कि सांस के उस लंबाई तक तुम अपने सांस को कर सकती हो। वैसे आसानी से अभी तुम बैठ करके तुम अपने 1 मिनट में तुम 8 सांस 4 सांस भी कर सकती हो, 10 सांस भी कर सकती हो। अगर 10 सांस से नीचे अगर तुम चले गए, अभी मैं बहुत लोगों को कराया हूँ ये सब, संजीव वगैरह भी कभी किए हैं, अगर 1 मिनट में 10 सांस से नीचे अगर हम कर देते हैं तो हमारे में क्रोध की भावना या कामना की भावना नहीं उत्पन्न हो सकती। और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतनी धीमे धीमे तुमको सांस लेनी पड़ेगी, इतनी धीमे धीमे कि एक सांस को लेने में तुमको 1 मिनट से भी ज़्यादा समय लग जाए, तो और ऐसा औसतन ये करना पड़ेगा। ये मैं एक तरीका तुमको बताया एग्जाम्पल के लिए, ये चूँकि ये ऐसा है कि तुम कभी भी इसको टेस्ट कर सकती हो, क्योंकि आदमी टेस्ट करता है ना पहले। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आपके अभ्यास में आ जाएगा। जैसे हम लोग तुम अपने सांस को गिनो, कोशिश करते हैं स्टॉप वॉच चला दो, तो थोड़ा कोशिश किया कॉन्शियस हो गए, सांस की लंबाई बढ़ा दिया, गाड़ी पे चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी, तो एक कॉन्शियस रहे, कॉन्शियसली करना पड़ेगा। तुम साधना की तो बात कर रहे थे, तो उसका जब कॉन्शियसली करोगे तो धीरे धीरे जब वो लंबे समय तक होगा तो वो तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। और जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर उस तरह के तुम्हारे भाव होंगे। यानी जब तुम नीचे आने लगोगे, यानी 12 या 13 से नीचे और गिरने लगोगे, 10 सांस 6 5, तो तुम्हारे में मैग्नेटाइजेशन बढ़ने लगेगा, स्थिरता बढ़ने लगेगी, दिमाग शांत होने लगेगा, अवसाद हटने लगेंगे अपने आप। तुम अभी जब जाओ तो अभी करके देख लो, कोई भी यहाँ करके देख सकता है, आजमा कर सकता है। तो तुम सामान्य रूप से अपने को प्रकट तभी कर सकती हो जब तुम्हारा जो रेंज है ना वो 16 से ऊपर ही रहेगा तब। यानी 16 से ज़्यादा सांस जब तुम प्रति मिनट लेती हो तभी तुम सामान्य व्यवहार कर सकती हो, अन्यथा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। मतलब जैसे जैसे हाँ जो नॉर्मल है चल रहा है वो वही 20 सांस, तो नॉर्मल बिहेवियर तभी संभव है जब 16 सांस से ऊपर हो, और उससे जैसे ही नीचे आते हैं तो नॉर्मल बिहेवियर संभव नहीं होता है, फिर आप नहीं करते हैं। हाँ, तो जब 1 मिनट में जो 5 सांस होगा तो वो एकदम शांत हो जाएगा व्यक्ति, हाँ उसमें परेशानी खत्म हो जाएगी वो सब। तो इसको कभी भी आदमी करके देख सकता है किसी भी समय। तो ये लगातार अभ्यास की चीज है, ये राजयोग के जरिए घर पे अपने प्रैक्टिस में कम से कम इसको ला सकते हैं कि हम बैठे बैठे सुबह योग प्रणाम कर रहे हैं। कभी भी तुमको क्रोध आए, जैसे क्रोध आता है किसी को, या चिड़चिड़ापन आता है, या बहुत ज्यादा तनाव होता है, तो इसको आजमा सकते हैं, हर समय कभी भी आजमा सकते हैं। और तुम देखोगे कि मुश्किल से 4 मिनट लगेगा समय, 4 मिनट समय लगेगा और तुम पूरा एकदम हो जाएगा। जो हाँ हो जाएगी, हाँ रूटीन में हो जाएगी, हाँ जब आप अभ्यास करने लगेंगे उसी पर, हाँ हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। और आप देखेंगे, और एक चीज और बता देता हूँ मैं, और आप देखेंगे कि जब आपकी सांस ऐसी बदल जाएगी तो आपके कर्म भी बदल जाएंगे, ये समझ लेना। ऐसा मत समझना कि मैं वही कर्म करते रहूँ इसी सांस को लेकर, ऐसा संभव नहीं है। आपके कर्म बदल जाएंगे क्योंकि सांस के साथ विचार भी है, कर्म भी है, सब कुछ है इसके साथ जुड़ा हुआ। अगर आप सोचेंगे कि मैं वैसे ही कर्म करूं उसी तरह से दौड़ूं भागूं, तो फिर आपके सांस की गति बदल जाएगी, उस सांस के हिसाब से आप वही कर्म संभव है। बात समझ में आ रही है? तो उस सांस के हिसाब से वही कर्म संभव है। आप इस सांस के हिसाब से अगर आप सोचो कि फुटबॉल मैच खेल लेंगे तो संभव नहीं है, वो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जब हम मैच खेलेंगे तो हमारी सांस छोटी हो जाएगी, आदमी बहुत तेजी से हांफता है ना फिर उसमें,
तो जिसमें भी आपकी सांस की गति छोटी होती है इसका मतलब वो दुख बढ़ाता है। सीधी सी बात, दुख समझ लेना, दुख और दर्द क्या है। सांस आपकी जितनी छोटी होगी दुख उतना ज़्यादा होगा। जब आप दुखी हो आप उस वक्त सांस को गिन लो तुरंत और देखोगे कि सांस जो है आपकी जो है 22 से बहुत दूर चली गई, 25, 26, 27, 28 चली गई। क्या होता है, सांस आदमी सांस बदल आपकी बदल जाएगी, आपके कर्म बदल जाएंगे, आपके भाव बदल जाएंगे। तो डेली लाइफ में हम भय में रहते हैं तो 22-24 सांस में रहते हैं। अगर मान लीजिए हम अगर जैसे कह रहे थे 15-16 मेरी उम्र लगे आपको उतना परेशान नहीं होगी, उतना दुख नहीं होगा। सांस को एकदम गिरा देंगे ना, कहे मर गया मर गया, दिस इज वेरी नॉर्मल प्रोसेस, ऐसा थोड़ा तुम मान लो ऐसा लगेगा। वो उससे परे क्यों चले, कोई भी आदमी उनको वो चीज उतनी इफेक्ट नहीं होती, सांस तुम्हारी भी स्लो हो जाए, लगाव घट जाएगा। जिससे भी मोह है ना वो मोह घट जाएगा। मोह घटने के लिए बस आपको 4 सांस या उससे नीचे चाहिए, 4 सांस और उससे नीचे आए बस मोह समाप्त हो जाएगा। फिर किसी के प्रति मोह नहीं रहेगा, चाहे कोई भी कितना भी करीबी रहा हो। हाँ हाँ, ये सब जो है इसको कभी भी। और अब आपके ऊपर है कि आप सांस को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कितना सूक्ष्म करना चाहते हैं, आप किस विचार में जाना चाहते हैं, किस कर्म को करना चाहते हैं। जो भी दुष्कर्मी होते हैं उनकी सांस जो है 20 से बहुत ऊपर चली जाती है। 20 से ऊपर जाने वाले ही जो है दुष्कर्म कर सकते हैं। यानी हर कर्म के साथ सांस की गति जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये, उसका विज्ञान यह है, यहाँ जो मैं बताना चाह रहा था, पहले भी मैंने बताया था इस बात को कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके विज्ञान को आपको जानना है। तो ये अध्यात्म जो है ना बहुत बहुत सुपर साइंस है ये। हाँ, ये समझ लेना, इसका अभी तो साइंटिस्ट सब धीरे धीरे रिसर्च कर रहे हैं। अभी इंटरेस्टिंग प्रश्न किया, मोह क्यों कम करना, मोह तो होना ही चाहिए। हाँ, तो जब मोह होना चाहिए तो अभी आपको लगता है कि मोह होना चाहिए तो आप उसको एंजॉय कीजिए, मोह को कर सकते हैं तो। लेकिन जब आप मोह करेंगे तो न्याय नहीं कर सकते। जान लीजिए, उदाहरण के लिए आपका लड़का है, आपका लड़का है, उदाहरण के लिए आपने, आप उससे बहुत मोह करती हैं, वो गया और बगल वाले लड़के को पीट करके आ गया, आपका मोह अपने बच्चे को बचा रहा है, आपका मोह उस बच्चे के प्रति न्यायपूर्ण नहीं है, उस बच्चे से द्रोह है उसको, उस बच्चे के खिलाफ में वो खड़ी है, उसके उल्टे उसी को डांट रही हो। तुम अगर ऐसा मोह करोगी तो तुम ऐसा ही करोगी कि तुम सिर्फ अपने लोगों के लिए दूसरों को कष्ट दोगी। मोह में जो होता है वो अपने अपने, ये धृतराष्ट्र ने क्या किया, धृतराष्ट्र ने ही नहीं किया, दुर्योधन के मोह में सब इतने कई लाखों लोगों को मरवाया। तो तुम उस ब्रांड में चली जाओगी कि उसके लिए तुम कई लोगों को वो करो, बस तभी तो दूसरे की कदर नहीं करते, बस उससे मोह से ही होगा। मेरा बीवी मेरा बच्चा उसी के मोह में है तो उसको दूसरे किसी से मतलब ही नहीं, तब वो दूसरे को परेशान करेगा। शादी ब्याह से कहाँ किसी को परेशानी होती है, सही पूछ रही है। शादी अगर 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 शादी विवाह नहीं होंगे, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अगर शादी विवाह नहीं होगा तो हम और तुम नहीं होंगे। कहने का मतलब यही है, अगर विवाह विवाह एक जरिया है स्त्री पुरुष के मिलने का, तो शादी विवाह नहीं होंगे तो फिर हम और तुम नहीं होंगे, तो हम लोग की प्रजाति अंत कर जाएगी। ये प्रकृति जो है हम लोग का प्रयोग करती है, प्रकृति जो है ना हम लोग का प्रयोग करती है, हम लोग से वो कर्म कराती है हाँ जो प्रकृति चाहती है। प्रकृति चाहती है कि जो है यहाँ पर संतानें हों, प्रजाएं हों, लेकिन कब तक, ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक नहीं चाहती है। ऐसा होता तो डायनासोर आज खत्म नहीं होते, समझ रही हो। तो ऐसा नहीं है कि हमें चाहती है कि मनुष्य सदा रहे, नहीं, मनुष्य सदा नहीं रहे। इसका जो मनुष्य का जो काल है ना, कालखंड, यह मनुष्य अभी नहीं जान रहा है कि हमारा कालखंड क्या है, लेकिन सभी के कालखंड निर्धारित हैं। हम अपने कालखंड से अधिक नहीं जी सकते। इस पृथ्वी का भी कालखंड है, इस सूरज का भी कालखंड है, उसके बाद उसको भी समाप्त हो जाना है अलग तरीके से, माने समाप्त होना मतलब उसका रूप बदल जाएगा। तो तुम्हारा कालखंड शादी ब्याह की वजह से तो हमको मोह होता है, वो कारण शादी ब्याह नहीं, शादी ब्याह की वजह से मोह नहीं होता है, ये गलतफहमी है। शादी ब्याह तो भगवान कृष्ण भी किए थे, तब तो उनको भी मोह होना चाहिए, राम भी किए थे उनको भी मोह होना चाहिए, शिव भी किए थे। शादी ब्याह से मोह का मतलब नहीं है, नहीं, मोह का मतलब हाँ मैंने कहा ना, मोह जो है ना मोह से ही बना है मोहन, और मोह से ही मनमोहन है, और मोह से ही जो है वो सम्मोहन है, समझ रहे हो। तो मैंने इसको इसलिए इस तरह से कहा ताकि तुम समझ सको कि मोह से सम्मोहन का क्या मतलब है। हाँ,
जब मनुष्य सम्मोहन में होता है, यानी बहुत ज्यादा मोहग्रस्त होता है। सम्मोहन क्या है? एक बहुत ज्यादा मोह हो जाना, इतना मोह हो जाना कि वह जो कहेगा वही मैं मानूं, वह जो कहेगा देखना वही मैं देखूं, जो कहेगा सुनने वही मैं सुनूं। जो जादूगर होते हैं वे सम्मोहित करते हैं। सम्मोहित करते हैं मतलब कि वे जो कहते हैं कि ये ऐसा है तो तुम कहोगे हाँ ऐसा ही है, तुमको ऐसा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग जो है उसने कैप्चर कर लिया है, तो इसलिए वहाँ पर तुमको सम्मोहन हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब मोह अति प्रबल हो जाता है तो उसको यथार्थ नहीं दिखता, उसको फैक्ट नहीं दिखता। जादूगर ऐसा है ना कि तो वह पति भी ईश्वर रूप में दिखेगा ना, तो वह जो मोह है ईश्वर वाले कोई पर्सन है क्या? फिर सब में ईश्वर दिखेगा। अगर मान लीजिए हमने अपने दिमाग में ईश्वर की एक चरित्र वो चित्र बनाया है, ठीक है, और अगर हमको उन्हीं से इतना मोह हो जाए कि वही सब कुछ जब है तो फिर पति कैसे ईश्वर को दिखेगा? अब बता रहा हूँ तुम्हें, ईश्वर के प्रति जो स्नेह होता है जिसकी तुम बात कर, उसको मोह नहीं कहते हैं। हाँ क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्याय होता है, क्योंकि वहाँ समदर्शिता होती है। ईश्वर के प्रति जो समर्पण होता है उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति में समरसता होती है, समरूपता होती है, न्याय होता है, और किसी के पश्चात पक्षपात नहीं होगा, और उसको सब जगह प्रभु ही नजर आते हैं, हर चीज़ प्रभु ही नजर आते हैं, प्रभु सिवा उसको कुछ नहीं दिखता है। उसको अगर अपना पति भी वो देख रही है तो उसमें भी उसको ईश्वर ही नजर आएंगे, वो किसी में भी ऐसा नहीं होगा जिसमें ईश्वर नजर नहीं आएंगे, समझे? तो वो हर चीज़ को ईश्वर फिर मानने लगती है, और फिर उसका वैसा व्यवहार होता है, तो सबके प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार इसलिए उसका हो जाता है। उसको मोह नहीं कहते हैं। मोह की सीमा कहाँ तक है? जहाँ अन्याय की सीमा है, जहाँ पर उसकी बुद्धि कुंठित हो गई है, जहाँ कुंठित हो गई है वो अपना पराया में भेद करके और फिर अन्यायपूर्ण कर्म करती है। तो मेरे पापा नहीं, अन्याय आप करेंगे ही करेंगे। वो अन्याय तब तक आप नहीं कर रहे हैं जब तक कि उसने उस कंडीशन में आपको ला नहीं दिया है। यानी जब वो आपका जो लगाव है ना, वो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि तुम्हारे पिताजी और उसमें टकराव जब होगा, जहां तुम्हारे सामने एक प्रश्न रहेगा कि मैं किसका पक्ष लूं, उस वक्त जो है क्या तुम पिता का पक्ष इसलिए लोगी क्योंकि वे पिता हैं, या क्या पिता का पक्ष इसलिए लोगी क्योंकि वे न्याय संगत स्थिति में खड़े हैं? तो अगर न्याय संगत स्थिति में खड़े हैं और तब तुम पिता का पक्ष ले रहे हो तो वेल एंड गुड, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अगर वो न्याय संगत स्थिति में नहीं है, गलती उन्होंने नहीं की है और तब भी तुम उनका पक्ष ले रही हो, इसका मतलब वो आ गया वहाँ पर, बात समझ रही हो? तो किसी भी दो आदमी के बीच में संघर्ष जब होता है, हाँ तुम जैसे तुम शादीशुदा हो ना, तो जब तुम शादीशुदा हो तो कभी हो सकता है कि तुम जिसको दो आदमी को पसंद करती हो, अपने पति को पसंद करती हो या अपनी माँ को भी करती होगी, तो तुम्हारे माँ और तुम्हारे पति में जब झगड़ा होगा तब तुमको एक पक्ष लेना पड़ेगा ना, तो सही होगा ना? तो जब सही के हिसाब से निर्णय तुम्हारा होगा तब तो वो तुम वो नहीं है, समझ रही हो? और सही कौन है कौन नहीं ये तो मनमाना निर्धारित नहीं कर सकती। हाँ उसके एक मापदंड होते हैं, उसके प्रमाण होते हैं, प्रमाण के आधार पर ही, और प्रमाण क्या है? सत्य होता है। सत्य के आधार पर ही तुम्हारा निर्णय होना चाहिए। मनमाना तुम नहीं कर सकते कि नहीं यही सही है। ऐसे भी लोग हैं, बहुत लंट हैं ऐसे, जो बोलते हैं यही सही है और उसके हिसाब से कहते हैं यही सही है तो मैं इसी के पक्ष में हूँ, तो वह नहीं सही मतलब सत्य। इसलिए सत्य की खोज में जो चलते हैं उनको ऋषि कहते हैं, क्योंकि जब तक आपको सत्य का बोध नहीं है तब तक आप न्याय करेंगे कैसे? न्याय के लिए सत्य चाहिए ना, बिना सत्य के आप न्याय नहीं कर सकते। तो और जब तक आपको सत्य का ही पता नहीं है तब तक आप न्याय का नहीं जानते, फिर आप जो भी करेंगे वो न्याय हो कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए सत्य की खोज जरूरी है, और जब सत्य की खोज कर लेंगे, परम सत्य की खोज लेंगे तो वही ज्ञान है, उसी को भक्ति कहते हैं। तो उसी के लिए ये यहाँ जहाँ जब तुम सत्य की खोज की ओर निकली हो ना, जब तुम सत्य की खोज की ओर निकली हो तो समझ लेना कि तुम सत्य को पालोगी। तुम्हारी मनोदशा अगर है सत्य को खोजने की तो पालोगी, और वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है जहाँ से हम सत्य की खोज में निकलते हैं, और जब हम सत्य का केयर नहीं करते, जो मन सो कर दिए मनमाना व्यवहार, तो फिर उसी को भौतिकवादी कहते हैं, संसार उसी को कहते हैं। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं अध्यात्म के रास्ते पे जाना, अध्यात्म छोड़ दो क्योंकि अध्यात्म से कन्फ्यूजन हो जाएगा, तुम सत्य को पकड़ो क्योंकि सत्य के विषय में तुमको कुछ पता है, अध्यात्म के विषय में पता नहीं है, इसलिए अध्यात्म को छोड़ दो, तुम सत्य को पकड़ो। तो
न्याय को पकड़ो, ये पता है ना सत्य और न्याय, तो बस तुम वहां से उसको पकड़ो ना भाई, अध्यात्म है सत्य और न्याय ही अध्यात्म है। हाँ तो तुमको जिस विषय में भी सत्य जानना है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी सांस के विषय में बताया था, उसी तरह से कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी विषय, विषय का कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम पेंटिंग ही बना रही हो, पेंटिंग का भी विषय हो सकता है कि इसमें ट्रुथ क्या है, पेंटिंग के विषय में आखिर चित्र क्या, कौन बना रहा है ये चित्र, कौन बना रहा है, चित्रकार कौन है, प्रश्न उठेगा ना, चित्रकार कौन है, तो तुम उसका पता लगाओ चित्रकार कौन है, तुमने ये छोटा सा जो चित्र बनाया है इसकी प्रेरणा कहाँ से आई, ये छोटा सा जो चित्र आया है इसकी प्रेरणा कहाँ से, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कोई अंश है ना, हमारा पूरा माइंड जो है अगर तुम इसे अगर इसका तुम बायोलॉजी पढ़ोगे तो हम लोग का पूरा माइंड एक जैसा नहीं है, इसके सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कोई हिस्सा हमारा सोचता है, कोई हिस्सा जो है विश्लेषण करता है, कोई हिस्सा कहीं चित्र बनता है, कहीं पर जो है ध्वनि आती है, तो तुमको पता लगाना है ना, और पता कैसे लगाओगी, जब चित्र जब तुम बना रहे हो तो तुम अब देखो तुम अगर तुम्हारे सांस पर तुमको अगर नियंत्रण है, क्योंकि जब चित्र बनाओगे तो उसमें सांस भी अलग होगा, सांस गड़बड़ाई कि चित्र गड़बड़ाया ये जान लेना, चित्र में गड़बड़ी तभी आती है जब सांस में गड़बड़ी होती है, विचार में गड़बड़ी होती है, तो अब तुमको वहाँ देखना है कि हमारी सांस कैसे चल रही है, कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे चित्र आ रहे हैं, वो किस जगह पर आ रहे हैं, हमारे माइंड के किस हिस्से में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो प्रेरित होकर आ रहे हैं, तब तो तुम्हारे हाथ में ऐसी बातें आई है, तुम्हारी आँख उसमें फोकस्ड है, तो आखिर आँख में भी कहीं से प्रेरणा आ रही है ना, ये नज़र हटी तो बच्ची चित्र गड़बड़ाएगा, हाँ तो अब उस नज़र को कौन कंट्रोल कर रहा है, तुमको इसका पता लगाना चाहिए ना, ये चित्र बनाने वाला कौन है वो पता लगाना पड़ेगा, उसके हर विज्ञान को जानना पड़ेगा, ये चित्रकार कौन है, ये एक मुकेश का मैंने गाना सुना था, ये कौन चित्रकार है, बहुत बढ़िया गाना है, उसको कभी सुनना ये कौन चित्रकार है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी तुम एक्शन करती हो उसके बारे में पूरा का पूरा जानो, पूरा का पूरा जानना तुमको सत्य के विषय में बताएगा, इसके विषय में सत्य क्या है, और तब तुम अपने आप ही अध्यात्म की ओर चली, फिर तुमको किसी की जरूरत नहीं है। हाँ तो तुम बैठी हो ना, तुम देखो कि बैठना कैसे होता है, बैठने प्रक्रिया क्या होती है, बैठने से क्या होता है ये बताओ, बैठने और लेटने में क्या फर्क है, हाँ शरीर में क्या परिवर्तन आ जाता है जब हम बैठते हैं और जब हम लेटते हैं और जब खड़े होते हैं, दुकानदार लोग बैठने के लिए सीट देते हैं ना, और कुछ दुकानदार लोग सीट नहीं रखते हैं, वहाँ कस्टमर खड़े रहते हैं, उदाहरण में एक बता रहा हूँ, कस्टमर खड़े रहते हैं, एक दुकानदार है जिसने कि बैठने के लिए सीट दिया हुआ है, एक दुकानदार है जिसने बैठने के लिए जगह नहीं दी है, तुम खड़े रहो और मैं बैठा हूँ, तो अब इसमें तुम क्या समझती हो कि किसकी बिक्री अच्छी होगी, क्यों इसका मतलब कि बैठने से कुछ साइकोलॉजी में बदलाव आ जाता है ना, तो तुमको उसका शोध करना पड़ेगा ना। अब बैठने में भी कई तरह के लोग बैठते हैं, एक तो कुर्सी पर बैठना, एक पालथी मार के बैठना, एक पद्मासन लगा के बैठना, अब हर तरह का तुम बैठ के देखो तब तुमको अंतर आएगा कि किस तरह से बैठेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आसनों की जो उत्पत्ति भी है योग आसनों की, तो ये इसीलिए भी है कि हम अलग अलग तरह से जब बैठते हैं तो अलग अलग तरह के हमारे में फीलिंग आते हैं और उसका अलग अलग तरह का प्रभाव आता है। हाँ हम जैसे भी बैठे हुए हैं जिस भी पोजिशन पर, तो उसका एक अलग साइकोलॉजी है, जैसे तुम पोजिशन बदलती हो तुम्हारा मनोविज्ञान बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारे भाव विचार सब बदल जाएंगे, जैसे तो खड़े होने का तरीके अलग हैं। हाँ तुम कभी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, शरीर हमारा व्यक्त करता है, प्रकट करता है बाहर, और एक होता है कि शरीर हमारा भी प्रकट नहीं कर रहा है बल्कि भीतर से ही कुछ अपने आप ही हो रहा है, उसको हमको फील करना है, प्रकट हो रहा है बाहर वालों के लिए, हमारे लिए क्या हो रहा है वह तो हमें फील करना है ना। तो जो एक एक विज्ञान जानते हैं, जिन लोगों ने सीटें बनाई है दुकान के सामने में, उन लोगों ने उसका अध्ययन किया है ना, तब जाना है। जिन लोगों ने लेटने के लिए बनाया है कैसे लेटेंगे, आप बुद्धा की तस्वीर या भगवान विष्णु की तस्वीर देखिए ऐसे शेष आप पर, कभी उस तरह से लेट के देखो क्या होता है, कभी देखिए हाँ कहने का मतलब यह है कि अलग अलग पोजीशन पर अपने को जाकर देखो बैठा करके, और तब तुम देखो क्या होता है। अच्छा मतलब योग में
कभी एक टांग पर खड़ी होकर के बैठ करके देखो, एक टांग पर बैठ के देखो क्या होता है। ध्रुव ने एक टांग पर तपस्या की थी, एक टांग पर खड़ी होकर के देखो, तुमको पता चलेगा तुम्हारे दिमाग में क्या अंतर आ रहा है। और करके देखो अभी क्या कहना, और उसमें भी खड़ी होकर के आंख बंद कर लो तब देखो क्या होता है। अब देखो कि विचार बदल जाते हैं कि तुम उलट के गिर जाओगी, और तो देखने से पता चलेगा तुमको। हाँ कितना दिमाग को बैलेंस चाहिए। और वहाँ पर बैलेंस खत्म होने लगता है गड़बड़, और जब बैलेंस हमारा दिखता है उस वक्त जो बैलेंस बनाता है, जब परिस्थितियां असंतुलित हों और उस वक्त जिसका संतुलन रहता है वही तपस्वी होता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं ऐसे देखने में सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब गोली चलेगी ना तड़ तो सबके व्यवहार बदल जाएंगे। परिस्थितियां एक जैसी होंगी लेकिन सबका रिएक्शन अलग अलग होगा, और रिएक्शन उसके हिसाब से होगा जैसे मनोविज्ञान उसका है, जैसे उसकी सोच है, जहाँ तक उसकी स्थिति परिस्थिति है। तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार होगा, तो ये सभी विज्ञान को जानना है, क्योंकि तभी उसके विषय में हमको ट्रुथ पता चलेगा, और तब जाकर हमको समझ में आएगा कि इसका क्या रिलेशनशिप है, हमारे माइंड का रिलेशनशिप क्या है, किस एक्शन के साथ हमारा मस्तिष्क कैसे जुटा हुआ है, और तब हम समझ सकते हैं, उसके हिसाब से फिर हम व्यवहार कर सकते हैं, अपने व्यवहार को मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब समझ में आएगा ना। अब तुम मुक्का ऐसे भींच लोगी तो सामने वाला तो समझ जाएगा ना कि तुम्हारा इरादा क्या है, समझ लेगा कि नहीं। क्यों, इससे उसको कैसे पता चला, तुम्हारी साइकोलॉजी को उसने रीड कर लिया ना, उससे तुम्हारे शरीर ने बता दिया कि तुम्हारा शरीर ये बता रहा है कि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, समझ रही हो। अब मान लो उदाहरण के लिए एक मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक वैज्ञानिक का प्रयोग बता रहा हूँ। एक क्लू वेक्स्टर का के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने पौधों पर एक प्रयोग किया था, और पौधों पर ऐसा प्रयोग किया था कि पौधे को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया था, जिसमें कि उसका इंडिकेशन आता था कि जो भी फ्लक्चुएशन होते थे उसमें, कंपन होते थे, वाइब्रेशन, वो सब सब उसमें दर्ज होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसको जोड़ करके और एक आदमी को बोला कि तुम इसकी एक टहनी को तोड़ दो। तो उसने उसकी एक टहनी को तोड़ दिया, उसे उसका फ्लक्चुएशन देखा गया कि उसमें क्या आ रहा है रिदम, अब उसको नोट कर लिया गया। फिर उसके बाद एक महीना के करीब समय गुजर गया, उस व्यक्ति को फिर लाया गया, कहा कि इसको तोड़ दो। उसने फिर तोड़ा, फिर उसका फ्लक्चुएशन होने लगा। एक महीने बाद फिर उसको लाया गया कि इसको तोड़ दो। तो अभी वो नज़दीक भी नहीं पहुंचा था कि रिदम आने लगा, क्योंकि वह व्यक्ति, वह पौधा जो था उस व्यक्ति को पहचान रहा था, उसमें अब भय बैठ गया था कि ये जो आता है ये बार बार, और ये मुझे इतनी संवेदना उसमें हो गई थी, उसकी आंखें नहीं हैं पौधे की, और कहा जाता है कि उसका माइंड भी नहीं है, साइंटिस्ट सब अभी तक पौधे का माइंड नहीं खोज पाए हैं। हाँ, और बिना माइंड के ही उसमें ऐसा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डेवलप्ड है कि वो उसको फील करता है। तो वो आदमी जब अभी नज़दीक आया तब तक जो है वाइब्रेशन शुरू हो गया, और जब उसने तोड़ दिया तो और तेज हो गया। अब ऐसा किया गया कि उसको कहा गया कि ऐसा है कि एक महीने के बाद फिर वो आया, और उसको कहा गया कि तुम जो है अब उसके पास आओ लेकिन तोड़ना नहीं। तो वो उसके पास आया लेकिन तोड़ा नहीं, तो वाइब्रेशन तो हुआ लेकिन कम हुआ। फिर एक महीने के बाद उसको बुलाया गया, बोला कि तुम फिर आओ, और इस बार आ करके तुम पौधे में पानी वानी डालना, पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो वो आया, अपना पानी वानी डाला, फिर चला गया, वाइब्रेशन और कम हो गया। उसके बाद फिर एक महीने बाद आया, फिर उसे किया, फिर उसी तरह से उसको खाद पानी सब सब दिया लेकिन तोड़ा नहीं। अब सामान्य हो गया था, तो समझ सकते हो कि हम लोग की जो सोच है उसे एक पौधे में ये अंतर आता है, मनुष्य में कितना कैसे अंतर आता होगा। तो आदमी जो सोचता है समझता है उसका जो प्रभाव है वो सभी प्राणियों में फैल जाता है।
कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सभी हम लोग के मस्तिष्क को रीड करते हैं, हम लोग के व्यवहार को समझते हैं। तो एक कसाई अगर एक गाय को पकड़ता है और एक उसको पालने वाला पकड़ता है, दोनों में बहुत अंतर आ जाता है उसके विचार भाव में, और इस भाव को गाय समझ जाती है, उसके हिसाब से उसका व्यवहार होता है। तो प्रेमपूर्ण व्यवहार को और दुष्टपूर्ण व्यवहार को सभी प्राणी समझते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो नहीं समझते हैं। उनकी भाषा अलग हो सकती है और वह जो है वो प्रकृति की भाषा अलग होती है। हर भाषा जो है ना अपने कोड में चला जाता है, ऐसा नहीं है कि हम जो बोलते हैं और किसी ने सुना तो वो उसी लैंग्वेज में रहेगा, लैंग्वेज बदल जाते हैं हम लोग के माइंड में जा करके। जैसे तुम कंप्यूटर से तो होता है ना, कोई भी भाषा बोलो तो वो उसको अपना बदल जाता है, उसको बाइनरी सिस्टम में बदल देता है ना, कोई भी भाषा बोलते हैं तो हम लोग के दिमाग में से इसी तरह से कोई भी भाषा हम लोग बोलते हैं तो उसका कोड बदल जाता है और वो संस्कार के रूप में रहता है, उसको हम फिर जो है रिट्रेस कर सकते हैं, और वैसी स्थिति में फिर वो उसी को संस्कार कहा जाता है, वो पुनः प्रकट होते हैं, लेकिन बहुत कठिनाई से, इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि रिसाइकिल बिन में चले जाता है ना, तो उसी तरह से हम लोग के दिमाग में भी डंपिंग मोड में हम लोग का शरीर चला जाता है जब, तो वहाँ पर एक स्थान है वहाँ पर वो रहता है वहाँ, और उसके बाद फिर और सूक्ष्म कोड में चला जाता है। तो जितने कोड के जितने लेवल पर चला जाएगा तुम्हारी मेमोरी उतनी डाउन होती जाएगी, कहने का मतलब है कि उसको फिर रिट्रेस करने में उतना जोर पड़ेगा। तो जैसे आज से 15 दिन पहले जो भी तुमने सोचा होगा किया होगा तो वो जिस मेमोरी में जहाँ पर गया अब उसको रिट्रेस करना थोड़ा कठिन है, लेकिन अभी अगर 15 मिनट पहले जो हुआ था उसको तुम कर सकती हो, वही 1 साल पहले का तुम नहीं कर सकती हो, बहुत कठिन हो जाए। उसके 10 साल पहले और भी कठिन हो जाएगा, 100 वर्ष पहले और कठिन हो जाएगा, पीछे जन्म में और कठिन हो, इस तरह से वो कठिन से कठिन कठिन से मतलब कोड का कोड बनता चला जाता है, इस तरह से इन्फॉर्मेशन फैलता है। तो यह तुमको कब समझ में आएगा, हर जन्मों के जो संस्कार आते हैं, जब तुम्हारे विचार होंगे, जब तुम विचार पर शोध करोगे तब कि ये विचार आखिर गया कहाँ जाता कहाँ, ये सब शोध करने की बात है। इसके लिए कितने की उम्र ख़त्म हो जाती है शोध करते करते। तो जिन लोगों ने जितना भी शोध किया उन लोगों ने उसको समाज को दिया, वे टेक्स्ट के रूप में आए तो आज भी हैं, उनके अनुभव तुम पढ़ सकते हैं और अपने पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, कुछ और भी नया भी कर सकती हो। तो कहने का मतलब है कि सत्य के लिए तथ्य के लिए अगर तुमने यात्रा शुरू कर दी है तो तुम अध्यात्म में ही हो। अध्यात्म में ऐसा कोई लाइन थोड़ी है कि हमने ये कर लिया, ये कर्मकांड कर लिया, हमने ये फलना ड्रेस पहन लिया और फलना चीज़ कर लिया तभी हम अध्यात्म की जाता, ऐसा कुछ नहीं है। वह तो एक दीक्षा है, संकल्प मात्र है कि आज से हम इसके लिए ही समर्पित हैं 100%। और ऐसे है कि अब हम कुछ और भी कर रहे हैं साथ साथ में भी हो रहा है इस तरह का है। लेकिन जितने समय तक तुमने उस चीज़ में अपने को लगाया है समझ लो उतने समय तक तुम आध्यात्मिक हो, हाँ ये समझ लेना। अगर तुमने 15 मिनट लगा दिया पता लगाना तो उस 15 मिनट में तुम आध्यात्मिक हो, और आध्यात्मिक होने का जो फल मिलता है वो अवश्य ही मिलेगा उस 15 मिनट में जो होता है, तो वो तुम्हारा पुण्य फल हुआ, उसी को पुण्य फल कहते हैं। तो किसी भी सत्य के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए, किसी के कल्याण के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए, इस सब के लिए जो भी समय आदमी निकालता है जितने भी देर का, वो उसका पुण्य फल होता है और वह अध्यात्म होता है, उसका उसको फल निश्चित ही मिलता है। फल तो खैर सभी का मिलना है, चाहे दुष्ट कर्म करे या अच्छे कर्म करे, तो वह आध्यात्मिक फल होता है। और उसके बाद गैर आध्यात्मिक जो व्यक्ति हैं वो जो कि उस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं उसके विपरीत स्विंग कर रहे हैं, तो विपरीत स्विंग कर रहे हैं तो विपरीत फल मिलेगा, तो फल मिलेगा उसको, वो अपना झेलेगा, उससे सीखेगा ना। कोई अगर कष्ट झेलेगा तो सीखेगा, नहीं सीखेगा तो फिर उसी क्लास में पड़ा रहेगा, वहीं भोगता रहेगा, भोगो। तो बात इतनी है, तो तुम आज़ाद हो कष्ट भोगने के लिए भी और आज़ाद हो सुख भोगने के लिए भी और आज़ाद हो आनंद भोगने के लिए भी। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुमको क्या भोगना है, उसके हिसाब से तुमको अपना कर्म करना है, विचार करना, भाव करना है, बस इसी बात है।